Let's do question number 73 of exercise 4E, that is quadratic equation. According to 2020 edition, question number 73 is a motor boat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour 30 minutes more to go 36 km upstream than to return downstream to the same spot. वो कह रहा है एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आर है इन स्टिल वाटर, उसको लगते हैं 1 hour 30 minutes ज़्यादा लगते हैं टू गो 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने के लिए और वापस सेम स्पॉट पे आने के लिए हमें निकालनी है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर की स्पीड निकालनी है. तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं. सबसे पहले हमें दे रखा है स्टिल वाटर कितना जाती है मोटर बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर, दैट इज 18 किलोमीटर पर आ. तो हम लिख लेते हैं स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आ रहा है, राइट. अब हमें स्पीड ऑफ स्टीमर नहीं दे रखी तो हम उसको x मान लेते हैं. स्पीड ऑफ स्टीमर कितनी हो गई इज x किलोमीटर पर आर मान ली, राइट. अब हमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालनी है तो स्पीड अपस्ट्रीम कितनी आ गई, स्पीड अपस्ट्रीम आ गई हमारी, अपस्ट्रीम में हम माइनस कर देते हैं तो दैट मींस 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आर, और डाउनस्ट्रीम में हम ऐड कर देते हैं डाउनस्ट्रीम में, क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो जाती है जब लहरों के साथ साथ बोट मूव करती है, राइट. तो इसलिए 18 प्लस एक्स हो गई, राइट. अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते रहेंगे. जो 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और उतना ही डाउनस्ट्रीम आती है तो 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, उसके लिए उसको 1 hour 30 minutes लगते हैं. तो 1 hour 30 minutes, मिनट्स को हमने आज में चेंज कर लिया तो डिवाइड बाय 60 कर दिया. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन में, वो कह रहा है मोर टू गो, मतलब अपस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगता है डाउनस्ट्रीम से, तो दैट मीन्स अपस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगता है तो इसमें माइनस कर देंगे डाउनस्ट्रीम का टाइम. तो कितना ज़्यादा लगता है, वो कह रहा है 1 hour 30 minutes ज़्यादा लगता है, राइट. वो कह रहा है, फिर से समझा रही हूँ, अपस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगता है डाउनस्ट्रीम से, कितना 1 hour 30 minutes, इसलिए हमने इसको माइनस किया है. अब आगे सॉल्व करते हैं. देखिए हमने यहाँ एलसीएम लिया तो ये आ गया 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स. अब 18 प्लस एक्स की मल्टीप्लिकेशन इस वाले 36 में और 18 माइनस एक्स की मल्टीप्लिकेशन इस वाले 36 में, तो ये आ गई 36 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 36 इंटू 18 माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 ones are 3, 3 twos are 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 whole 1/2. अब 18 इंटू 36 करते हैं कितना आया, 6 8s are 48, 4 carry 6 ones are 6, 10, 3 8s are 24, 2 carry 3 ones are 3, 4 5, तो ये आ गया 648. तो 648 प्लस 36x माइनस 648, क्योंकि अभी करा है हमने 36 इंटू 18, माइनस माइनस प्लस 36x अपॉन 18 का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू, ये देखिए 2 ones are 2 plus 1, 3/2 हो गया, तो आया 3/2. अब यहाँ देखेंगे 648 प्लस का है माइनस का है तो दोनों कैंसिल हो गए, तो ये कितना बच गया, 72x/18 का स्क्वायर क्या आता है, 18 into 18 is 8 8s are 64, 6 carry 8 ones are 8, 9 10 11 12 13 14,
8 एंड 1, तो ये आ गया 4, 12, कैरी 1, 3, 3, 2, 4, माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 अपॉन 2, 72x, राइट, x लगाना भूल गए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आया 2 इंटू 72x इक्वल्स टू 3 इंटू 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट्स ओपन किए तो ये आया 2 टूज ऑफ 4, 7 टूज ऑफ 14, एक्स इक्वल्स टू 3 फोर्स ऑफ 12 कैरी 1, 3 टूज ऑफ 6 एंड 7, 3 3 इज अ 9 माइनस 3 एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर क्योंकि माइनस है तो हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये आया 3x स्क्वायर प्लस का 144x और 972 माइनस का हो गया इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड होती है कि नहीं होती है, तो ये देखिए 3 4 जो 12 24, यस ये हो रही है, 3 3 जो 9, 3 2, यस पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही है, तो हमने इसको 3 से डिवाइड कर दिया, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 4 जो 12 एंड 3 जो 24 माइनस 3 3 इज अ 9, 3 2 इज अ 6 एंड 3 4 इज अ 12 इक्वल्स टू 0। अब 324 की मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर में, तो ये आया माइनस का 324 एक्स स्क्वायर, इसके ऐसे दो फैक्टर्स प्लस माइनस करके 48 बैठे, तो देखते हैं 2 से गया 2 वन जर 2, 2 सिक्स जर 12, 2 टू जर 4, अगेन 2 से 2 एट जर 16, 2 वन जर 2, 3 से गया 27, अगेन 3 से 9, 3 3 इज अ 9, तो फैक्टर्स देखते हैं क्या बनते हैं कि 48 आ जाए, 3 3 इज अ 9, 9 3 इज अ 27 एंड 2 2 इज अ 4, 4 3 इज अ 12, 27 एंड 12 नहीं बैठता है, 3 3 इज अ 9, 9 3 इज अ 27, 27 2 इज 54 एंड 6, यस 54 में से 6 गया, 48 आ रहा है, तो ये आ गए हमारे फैक्टर्स, तो ये हो गया मिडल टर्म का, ये हो गया अपोजिट साइन क्योंकि माइनस करना था, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। अब x कॉमन आया फर्स्ट टू डिजिट में से, तो x प्लस 54 बचा, माइनस 6 कॉमन आया तो क्या बचा, x प्लस अंदर का साइन चेंज हो जाएगा 54 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 54 आया कॉमन, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस x माइनस 6 बच गया अंदर इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देखिए x प्लस 54 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ गई माइनस 54, और स्पीड कभी भी जीरो माइनस में नहीं होती है, इसी तरीके से x माइनस 6 को 0 के इक्वल रखा तो x आ गया 6, तो हमारी स्पीड ऑफ स्टीमर क्या आ गई, स्पीड ऑफ स्टीमर इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आर इज द आंसर।